इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित प्रियंका गंगवाल, रोहित शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। की जय 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 देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रवण कुल तिलक आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की। परम पूज गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री स्वात्मनंदी जी महाराज की। शंका समाधान की आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके अपने जीवन को सकारात्मकता से ओतप्रोत करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। क्या था, क्या हूँ, क्या बनूँ, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। बंधुओं, पूज्य आचार्य श्री के इस दोहे को जनमानस में जनमानस आत्मसात कर सके, इसी भाव से परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से और मार्गदर्शन में गुणायतन निर्मित होने जा रहा है। बंधुओं, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गुणायतन के निर्माण के बाद यहाँ जो भी आएगा वह अपने जीवन को यांत्रिक क्रियाओं से ऊपर उठाकर, सांसारिक विक्रियाओं से बचाकर आत्मोत्थान की प्रक्रिया में सन्निहित कर सकेगा। पर यह आयतन अपने धरातल पर अपना आकार ले सके, इसके लिए आवश्यक है आप लोगों का उदारतापूर्ण सहयोग। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि गुणायतन से संबद्ध हों, दूसरों को संप्रेरित करें कि वे गुणायतन से संबद्ध हो सकें और यह दिग्दिगंत तक जनशासन की यशोपताका फैलाने वाली प्रकृति अपना आकार पूर्ण कर सके। आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, मैं उनके नामों का उच्चारण करूंगा और ये अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग साधुवाद अवश्य देंगे करतल ध्वनियों के माध्यम से। रजत दान देकर जिन्होंने स्वयं को धन्य किया है, ऐसे श्रीमती मैना देवी जैन कोटा से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, गुप्त दान दाता के लिए करतल ध्वनियों से उनका अभिवादन करें। स्वर्ण दान के रूप में ही जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, श्री नरेश कुमार जी मीरा देवी जी जैन सिलीगुड़ी से। निर्माण निधि के रूप में जो संबद्ध हुए हैं, डॉक्टर निशान जी जैन, डॉक्टर श्वेता जी जैन, श्री एस सोहम समृद्धि जैन जबलपुर से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। बंधुओं, आज हमारे बीच में कुछ सम्माननीय विशिष्ट व्यक्तियां उपस्थित हैं। श्रीमान पद्मश्री विमल कुमार जी रारा पटना से वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हरीश जी जैन कागजी दिल्ली से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं एमपी अजमेरा वरिष्ठ समाज सेविक एवं पूर्व आईएएस, वे भी आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा से। गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जी सेठी कोलकाता से यहाँ उपस्थित हैं, वे भी आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान एनएलजी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री स्वात्मनंदी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, मैं उनके चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबको समाधान का मार्ग प्रकाशित कराएं। नमोस्तु महाराज जी। नमस्तु, नमस्तु, नमस्तु। भगवान अर्धपुद्गल परिवर्तन काल
कितना और कैसा होता है। एक बार महाराज जी फिर से एक बार उपशम सम्यक प्राप्त करने के बाद अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में जीव मोक्ष जाता है ऐसा सुना है, तो अर्धपुद्गल परिवर्तन काय को कहते हैं? देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो यह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहता है। सामान्य रीति से काल अगर हम बताएं तो सामान्य शब्दों में बोल सकते हैं कि सागर को चुल्लू में बदल देता है, लेकिन संसार सागर का चुल्लू भी बहुत बड़ा है जिसमें असंख्यात वर्ष लगते हैं। आपने जो बोला है मैं उसकी विवेचना बड़े सरल शब्दों में करता हूँ। द्रव छेद काल भाव भाव परिवर्तन होते हैं, उसमें द्रव्य परिवर्तन में कर्म द्रव्य परिवर्तन और नौकर्म द्रव्य परिवर्तन होते हैं। नौकर्म द्रव्य परिवर्तन यानी जो हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं फिर ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं, कुछ मिश्रित को करते हैं कुछ ग्रहित को करते हैं कुछ अग्रहित को करते हैं, और उसमें फिर जब वो सारे परमाणु हमारे द्वारा अनंत अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिए जाते हैं तब वो एक नौकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अगर पूरा शास्त्रीय विवेचन करूँगा तो आप लोगों के कान खड़े हो जाएंगे कि कितना बड़ा काल होता है, लेकिन एक उदाहरण से मैं बताऊं तो शायद बैठ जाए। एक हरा भरा पेड़ है सामने जो पेड़ दिख रहा है मान लीजिए, और वो पेड़ सूख जाए उसके पत्ते झड़ जाए हवा में उड़ जाए फिर उस पेड़ में आग लग जाए, आग लगने के बाद पेड़ राख बन जाए, तेज आंधी आए राख उड़ जाए, फिर बारिश हो रही सही निशान भी चले जाए। अब इसके बाद कल्पना करो कि वे सारे परमाणु इकट्ठे हो और उसी रूप रसगंध स्पर्श के साथ वैसा का वैसा पेड़ खड़ा होने में जो समय लगता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा जा सकता है जो असंख्यात वर्षों का। ठीक है, बहुत बढ़िया। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान सुजीत जी छावड़ा हैदराबाद से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें, नमोस्तु निवेदित करें, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरीश जी कागजी दिल्ली से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहता हूँ। नमोस्तु। यशवर्त सिंघई, रिटायर्ड GST ऑफिसर, ललितपुर से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। गुरुदेव, इस भीषण महंगाई के ज़माने में सब कुछ महंगा हो गया है लेकिन माचिस आज भी एक रुपए पर ही टिकी है, तो इससे क्या ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती? पूज्य श्री, इस संबंध में आप दूसरों के घर की सुख शांति में आग लगाने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात कही है कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, पर आग लगाने वालों की कीमत बढ़ती ही जाती है। संदेश मैं यही कहूँगा कि आग लगाने की प्रवृत्ति से बचो, बन सके तो बाग लगाने की आदत डालो। और एक बात सदैव ध्यान रखना, आग सदैव दिया सलाई से लगाई जाती है लेकिन दिया सलाई को पहले जलना पड़ता है, बाकी चीज़ें जले और न जले। कई बार तो दिया सलाई जल के रह जाती है, जिसे जलाने की कोशिश होती वो नहीं जलती। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा इससे एक सीख लो और जीवन में कभी आग लगाने जैसा काम करो ही नहीं। पर कुछ लोग हैं जो आदतन आग लगाने का धंधा करते हैं, और मैं कहूँ कदाचित ये माचिस की आग का उपशमन तो बड़े आसानी से हो जाए फायर ब्रिगेड बुलाकर, लेकिन जो दिलों में आग लगाते हैं वो बहुत भयानक होता है। उस आग से अपने आप को बचाइए, न खुद के दिल में आग रखिए न किसी के अंदर आग लगाइए। कुछ लोग आग लगाते हैं, कुछ लोग आग उगलते हैं, कुछ लोग आग फैलाते हैं और कुछ लोग आग बुझाते हैं। मेरा स्थान आग बुझाने वालों में होना चाहिए, आग लगाने वालों में नहीं, आग फैलाने वालों में नहीं, और आग उगलने का काम तो कभी करना ही नहीं चाहिए। सुदेश जी जैन, माखन नगर बाबई से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। आपके और अन्य संतों के प्रवचनों में हमें यह बताया जाता है कि परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में सभी से आपस में प्रेम व्यवहार रखो, अपनापन रखो, सामंजस्य रखो,
वहीं दूसरी ओर यह बताया जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, रिश्ते नाते परिवार समाज कोई भी अपना नहीं। यह बात व्यवहार और निश्चय से कही गई है, लेकिन एक साधारण श्रावक इन दोनों को सुनकर दुविधा में फंस जाता है, तो वह इस दुविधा से कैसे बचे? नमोस्तु महाराज। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। ये लाइनें आप लोग दोहराते हैं, उसी में इसका उत्तर है। हर कोई अकेला है, कोई किसी का नहीं, ये जीवन का यथार्थ है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम जिनके बीच रह रहे हैं, अकेले होकर के भी तो हम भीड़ में रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रेन में जब यात्रा करते हैं कंपार्टमेंट में अनेक लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कितने का कंपार्टमेंट होता है? 6 का। फर्स्ट क्लास में कितने का होता है? 4 का होगा। कितने का होता है? 4 का। मैं चढ़ा नहीं हूँ फर्स्ट क्लास में, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो 4 का होगा। तो अब 6 या 4 है, आप उनके बीच जितनी देर है, आपको पता है कि आपका डेस्टिनेशन अलग है, सामने वाले का अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, पर जब तक है साथ में तब तक लड़ाई झगड़ा करोगे, माथा फोड़ी करोगे कि प्रेम से बातचीत करोगे? तो संत कहते हैं बातचीत करके टाइम बिताना, लेकिन बातचीत करने में इतना प्रगाढ़ मत बन जाना कि अपना स्टेशन ही भूल जाओ, ट्रेन आके रुके और चल दो और करे कहां गया मैं। तो झगड़ो मत, प्रेम से रहो लेकिन विवेक के साथ, घिरे रहो परिवार में पर भूलो न ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। ये जर्नी है यात्रा, इस यात्रा में भीड़ है पर इस भीड़ में हर कोई एकाकी है, सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी मंजिल है, हर कोई एकाकी, हमें एकाकी ही चलना है। तो हम एकाकी चलेंगे लेकिन जब तक साथ रहे, हिल मिल करके रहे, तो ये भाव अपने अंतरंग में जगा ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए दोनों बातें व्यवहार की है, निश्चय की नहीं। निश्चय में तो दूसरा दिखता ही नहीं। यह मानना कि मैं निश्चय से अकेला हूं, यह अधूरा निश्चय है। निश्चय में तो कोई है ही नहीं, केवल मैं ही हूं। बस नादा जो सो सोचे वह, जो मैं हूं बस वही हूं, यह निश्चय की बात है। इसलिए इन बातों को बहुत ही गंभीरता से समझना चाहिए। माथा फोड़ी बिल्कुल मत करो, गुरुजन जो उपदेश देते यही देते, प्रेम से रहो, झगड़ो मत, क्योंकि कब तुम्हारा स्टेशन आ जाए और तुम्हें उतरना हो तो उतरो, तो मीठी स्मृतियां लेके उतरो, कड़वी स्मृति लेकर ना लो निकलो तो आगे बढ़ोगे। नागौर जिला सतना से स्पर्श जी जैन, जिनका 27 फरवरी से 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, वे चाहते हैं कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद उनके माध्यम से सभी को प्राप्त हो, और नमोस्तु पूर्वक को निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, प्रश्न यह है कि एक शिष्य अपने गुरु से दूर रहकर भी गुरु को अपने समीप कैसे पा सकता है? नमोस्तु। गुरु से दूर रहकर के भी गुरु को उसका सामीप्य कैसे पा सकता है? बहुत पुरानी नीति है, दूरस्थोपि अदूरस्थ यो यस्य हृदये स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो अगर हृदय में बैठा है तो दूर रहने पर भी अदूर है, और हृदय में नहीं है तो पास रहने पर भी दूर है। इसलिए अगर हम किसी से सशरीर निकटता नहीं पा सकते तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव हर जगह ले, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब प्रत्यक्ष को बुला लो। एक हाँ, सोलापुर से श्रद्धा जी शाह नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव ऐसा कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जैन धर्म के अनुसार यह कहाँ तक उचित है? कृपया प्रकाश डालें। देखिए लोग व्यवहार, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ये एक कहने की बात है, बात सही है, और इसे हम अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो विचार कर सकते हैं। ये बात तो सही है कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भगवान भी किसी के नहीं है, सब अपने हैं, अत्तानम अत्तनो नाथो। लेकिन ये जो उक्ति है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, वो इस बात के लिए है कि हमारे यहाँ लोक में परमात्मा को एक सर्वशक्तिमान तत्व के रूप में स्वीकारा गया है, और वो
हृदय की दिलासा और भावना को बनाए रखने के लिए कि संसार से हार जाओ तो एक ईश पर अपनी श्रद्धा रखो, वो सहारा तुम्हारे मनोबल को ऊंचा बनाने में मदद करेगा और उसके सहारे तुम पार लग सकते हो, ये एक विश्वास है। हालांकि जैन दर्शन की जब बात करें तो जैन दर्शन में ऐसे किसी परमात्मा की बात नहीं है जो हमारा साथ दे, क्योंकि मरने से तो भगवान भी नहीं बचा सकते, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो सब प्रकार के डर चिंता अवसाद से अपने आप को मुक्त कर देता है, क्योंकि मन में एक विश्वास जगता है संरक्षण का, और उसी संरक्षण के विश्वास के लिए ये कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है। अब मैं यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे के सत्र को गति देना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूँगा वासुजी जैन पिंडराई से, और उनके साथ तैयार रहेंगे हर्षित जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु सभी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एक बात सुनने में आई थी कि नाशाग्र दृष्टि जो होती है तो वो मस्तिष्क के यहाँ को अग्रभाग कहते हैं, तो अगर हम इस बात को माने तो भगवान की नाशाग्र दृष्टि हम यहाँ मानते हैं, और जो ये मैंने सुनना है अब ये पता, इसका इसलिए आपसे प्रमाण चाहिए है कि नाशाग्र दृष्टि कहाँ होती है हकीकत में। देखिए, नासा का अग्रभाग कहाँ है भाई? तो अग्रभाग, अगर किसको बोलते हैं? मुख को। अच्छा, मुख को अगर किसको बोलते हैं? मुख को। तो नाक की मुंह कहाँ है? ये इसको बोलेंगे नासा का अग्रभाग। इसको नहीं, ये तो पूंछ है। नाक का मुंह कहाँ है? आगे। और पूंछ कहाँ है? पीछे। तब नासा अगर देखना है तो ऐसे देखना, भुकटी चढ़ा करके कि यहां रहकर, ये नासाग्र है, ये नहीं, ये तो विकराल, समझ गए ना? तो नासाग्र को नासाग्र ऐसा समझना। हर्षित जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। हर्षित नहीं है, आगे बोलो, अगला बोलो। तो आपकी बात तैयार रहेंगी मानक चंद जी जैन मेरठ से, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी जी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा मन बहुत विचलित रहता है, अपने मन को मैं कैसे एकाग्रित करूं, और अगर मैं एक दो दिन बीच में मंदिर नहीं जाऊं फिर मंदिर जाने का मन नहीं करता, तो मैं अपने मन को कैसे एकाग्रित करूं और इसे पॉजिटिव रहूं? देखो, संकल्प से बंध जाओगे तो नियम पूरे टूटे पूरे होंगे, और हर पल एक भावना भाव कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने की भावना अपने आप भाएगी, और नियमित अगर इस तरह का अभ्यास करोगे तो एकाग्रता भी बढ़ेगी। मानक चंद जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारिणी दीदी मीना जी। परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी के सादर चरणों में हम मेरठवासी श्री धन कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन, मानक चंद जी का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे मन में जिज्ञासा ये आती है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि अधिक उम्र में भी, 60-70 साल वर्ष की आयु में भी, जब आदमी अपने बुढ़ापे की चरम सीमा पर जाने लगता है तब भी उसी के मुनि दीक्षा के भाव जागृत होते हैं, और आचार्य लोग उन्हें दीक्षा दे भी देते हैं, परंतु देखने में आता है कि इतनी अधिक आयु में वो अच्छी तरह दीक्षा का निर्वहन नहीं कर पाते। तो इस संबंध में क्या आगम में कुछ ऐसे दिशा निर्देश नहीं है जहाँ पर ये सोचना चाहिए कि भाई हमें किस उम्र के लोगों को दीक्षा देनी है या नहीं देनी, और ऐसे में पापन की स्थिति का क्या? हमारे शास्त्रों में दीक्षा के योग्य पात्र और अपात्र की पूरी चर्चा है। इसमें उम्र की सीमा 8 वर्ष है, 8 वर्ष से कम के व्यक्ति को दीक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन 8 वर्ष से कब तक दीक्षा दें? जब तक वो दीक्षा का निर्वाह करने में समर्थ हो। कोई ज़रूरी नहीं कि 80 वर्ष का आदमी भी दुर्बल हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि 20 वर्ष का जवान भी मजबूत हो, रुग्ण ना हो, स्वस्थ हो, चर्या के पालन में काबिज हो, तो बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। आज MP अजमेरा जैसे 80 पार है, 85-84 कितने हैं, खड़े तो हो जाओ एक बार। और पीछे एनएल जैन है, वो भी 80 वाले हैं, ये लोग फिट है, बूढ़े भले हैं, दीक्षा ले हो तो व्यवस्था हो सकती है। ये बात अलग है कि इरादा कुछ और है। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति यदि फिट हो
तो उसको दीक्षा दी जा सकती है, लेकिन असक्त व्यक्तियों को दीक्षा देना ठीक नहीं। कई जगह ऐसी दीक्षाएं हो जाती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, थोड़ी थोड़ी सांसें बची, अरे अभी तो है, पीछे कमंडल पकड़ा दो, कपड़े उतरवा दो। आचार्य महाराज कहते हैं किसी को भी दीक्षा तब दो जिस समय दीक्षा दी जा रही है उस समय वो खड़े होकर आहार लेने के काबिल हो, मुनिचर्या के काबिल हो, तब वो दीक्षा के योग्य है, बाकी तो ये दीक्षा की गरिमा अनुरूप नहीं। बंधु मानक चंद जी जैन गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं, पहले से ही संबद्ध हैं। मैं चाहूंगा कि वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा NLG जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन। प्रश्न उपस्थित करेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी जी और आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी साधना दीदी जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब कभी हम चौका लगाते हैं तो कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो आहार नहीं दे पाते लेकिन आहार दान के लिए पैसे या सामग्री ला कर देते हैं। अगर हम उनसे सामग्री लेते हैं या पैसे लेते हैं तो हमारा पुण्य क्षीण होता है, और यदि हम नहीं लेते तो उनका पुण्य क्षीण होता है। ऐसी दुविधा में हम बहुत परेशान हो जाते, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, पहली बात तो एक परसों एक प्रश्न आया था अष्टम वसुधा, तो चूंकि मेरी स्मृति में नहीं था कि अष्टम वसुधा के लिए स्पेसिफिक कहीं लिखा गया, कल जब परसों मैंने बोला था तो बहन जी ने ध्यान दिलाया कि पद्म पुराण जो ढूंढारी भाषा का उसमें अष्टम वसुधा लिखा है, और फिर मैंने जब सर्च किया तो तिलोय पन्नति में और धवला की 14वीं पुस्तक में 8वीं पृथ्वी का उल्लेख है, और ईषद प्रागभार नाम की पृथ्वी को 8वीं पृथ्वी के रूप में लिया है। अब उनके मूल सवाल पर आते हैं जो सज्जन ने दो दिन पहले कहा था, ये 8वें नंबर में क्यों कहा? तो 8वां यहाँ क्रम की अपेक्षा नहीं, 7 नीचे की हो गई। अब और किसी की बात करेंगे तो 8वीं बोलनी पड़ेगी ना, तो 8वें नंबर में नहीं है, कहने में 8वें का क्रम है, क्योंकि पहली ऊपर से नीचे को जोड़ना ठीक नहीं है और ऊपर की पृथ्वी को सबसे ऊपर रखने से अच्छा कुछ नहीं है, इसलिए 7 नीचे की बात करके ऊपर की 8वीं बात कर दी। अब आपका जो सवाल है, आज का सवाल है कि चौके के लिए लोग अगर अपना धन दें तो हम स्वीकार करें या नहीं करें। देखिए, कायदे से अपना द्रव्य लगाना चाहिए और अपने द्रव्य का प्रयोग करोगे तो आपका दान होगा, लेकिन जो लोग खुद देने में सक्षम नहीं वो देना चाहते हैं केवल शुद्धि बोलने से उनका क्या लगे, तो सिंबॉलिक 10-20 रुपया या एक आध कोई आइटम वो आप ले लीजिए, इतना ध्यान रखिए कि मेरा पुण्य छीन ना हो और सामने वाले की भावना का सत्कार करके करने में कोई दोष नहीं। कर दिए तो बहुत गुस्सा हुए और भाग गए, हमको गुस्सा हो गए। अब थोड़े बहुत गुस्सा तो और लोगों के झेल लिए जाते हैं, उनसे सीधे सीधे मना नहीं करना, बोला भैया मैंने चौका लगा लिया है, चौकों में रुपयों की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो हमको बहुत थोड़ी सी कोई चीज दे तो हम स्वीकार कर सकते, बाकी नहीं। ब्रह्मचारिणी साधना दीदी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा कोलकाता से। नमोस्तु 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 महाराज जी। इंदौर आश्रम की सभी दीदियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु, हमारे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 7 प्रतिमाधारी श्रावक और 2 बाल ब्रह्मचारी, 2 प्रतिमाधारी, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन बड़ा है इन दोनों में? और 2 प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी और 7 प्रतिमाधारी श्रावक, इनमें कौन बड़ा है? प्रतिमा की दृष्टि से श्रावक बड़ा है, और पद की दृष्टि से पूछो कि 2 प्रतिमा और 7 प्रतिमा में है तो 7 प्रतिमा वाला बड़ा है, लेकिन मार्ग की दृष्टि से देखो तो बाल ब्रह्मचारी को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसको मुनि बनने की संभावना है, और शास्त्रीय दृष्टि से पूछो तो दोनों में कौन बड़ा है, जिसका लब्धि स्थान बड़ा है वही बड़ा है। महाराज जी, पंच कल्याणक में जो माता पिता बनते हैं 7 प्रतिमाधारी, तो वो माता पिता बन सकते या नहीं? एक बार 7 प्रतिमाधारी को तो मेरे राय में नहीं बनाना चाहिए, पर ये बनने वाले और बनाने वाले पर निर्भर है। चलिए अगला। लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे पूजा कलमकर जैन परभणी नेमिगिरी जिंतूर से। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु सत सत नमोस्तु सत सत नमोस्तु।
गुरुवर, ये प्रश्न कई बार शंका समाधान में किसी न किसी रूप में आता रहता है और मैं प्रायः शंका समाधान का नियमित श्रवण करता हूँ। प्रायः मंदिर जी के अंदर में देखा जाता है कि हम लोग एक हाथ से ही सब प्रतिमा जी को छू लेते हैं, एक बार के अंदर में यहाँ छुए वहाँ छुए सब जगह छू लेते हैं और मस्तक के लगा लेते हैं और एक ही कपड़े से सब प्रतिमा जी का प्रख्यालन कर लेते हैं। देखिए, आपका ये सवाल प्रायः आता है, बोल बोल के हम थक गए, पर आप लोग को सुधरना नहीं। अरे ये तो अपना विवेक है, मंदिर जी में जब आप दूसरों के टाबेल से अपना बदन नहीं अंगोजते तो भगवान को क्यों करते। इसलिए विवेक रखना चाहिए, जितने भगवान है उतनी अंगोछी रखो, उसमें कमी क्या है, उतना करना चाहिए। नमस्कार, पूजा जी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। रोहित जी बड़जात्य हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, श्रावक के लिए पूजा पाठ आदि करना आदि श्रेष्ठ है या व्यवहारिक रूप से व्यवहार अच्छा रखना, माता पिता की सेवा करना, असत्य वर्णन न करना, ये ज्यादा श्रेष्ठ है? नीचे वालों की बातों के साथ पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, समझ गए? चलिए, केवल एक तरफ मत देखो, पूजा पाठ भी करो और व्यवहार भी अच्छा रखो। इतना कहूंगा, जो लोग पूजा पाठ में लीन रहते हैं वो अपने व्यवहार पर भी ध्यान दें। चलिए, उपस्थित होंगे रोहित जी बड़जात्य हजारीबाग से और आपकी बात तैयार रहेंगे लक्ष्य जी जैन खिमलासा सागर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो धर्म करने में और गुरुदेव के दर्शन करने में एक भाव आता है आनंद का, तो ये कैसे जाने कि ये कहीं अहंकार में तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, कि एक भाव आ रहा है कि हमारा कितना पुण्य का योग है, हम संवेद शिखर जी आए, तो ये संवेग भाव जो अहंकार में नहीं परिवर्तित हो, तो इससे कैसे? देखिए, दो तरह की अनुभूति है, एक अभिमान की और एक स्वयं को कृतार्थ महसूस करने के गौरव की, अपने गौरव का बोध होना, किसी की दुर्लभता का एहसास करने की। अभिमान प्रेरित कोई भी बात कतई उचित नहीं है, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई उपलब्धियां होती है तो उसके गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं धन्य हूं, आहा कितना सौभाग्यशाली, आज कितना बड़ा पुण्य आया कि मुझे ये सुअवसर मिला जो लोक में दुर्लभ है। ऐसा करने से हमारा प्रतिभाव और अच्छा होता है, जीवन का पथ प्रशस्त होता है। लेकिन इस दुनिया में मैं ही धर्मी हूं, बाकी सब पापी, ये अभिमान है, ऐसा मत कर। नमोस्तु गुरुदेव। लक्ष्य जी अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। श्रीमान एमपी जी अजमेरा रांची से। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम लक्ष्य जैन है, मैं खिमलासा सागर से आया हूँ। महाराज जी, लोग बाग आजकल मिथ्या दृष्टि को ज़्यादा मानते हैं और सम्यक दृष्टि को कम, उनको कैसे समझाएं कि वो मिथ्या दृष्टि से दूर रहें और देवी देवताओं को कम माने, अपने जैन धर्म को तो मंदिर में तो जाते नहीं है। ओम ओम, देखिए, बेंतर दृष्टि में अंधविश्वासी जाता है और देव दृष्टि सम्यक दृष्टि आत्मविश्वासी बनता है। तो हम लोगों के हृदय में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करें, अगर आत्मविश्वास जग जाएगा तो सारा व्यामोह अपने आप छूट जाएगा। चलिए, नमस्ते मैं। दीपक जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे। श्रीमान सुभाष जी सेठी कोलकाता से। हेलो, पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रैवार वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर, एक छोटा सा प्रश्न है, घर में जैसे चौका लगा है और चौका लगा है उस समय कोई सूचना आती है कि घर में कोई गमी या फिर कोई शोर हो गई है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि चौका लगाने वाले को संकल्पित होकर चौका में जाना चाहिए कि जब तक आहार ना हो जाए तब तक घर परिवार का त्याग। इस अवधि में कोई सूतक पातक लगेगा, त्याग कर दिए तो बच जाओगे। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति हो और ऐसा कर रहा हो और किसी के पास सूचना आई है तो उसे सूचना कम से कम चरिया तक नहीं पहुंचाना चाहिए।
चर्या के बाद पहुंचा। इसी तरह कोई मंदिर जा रहा है और आप कह रहे तो यहाँ सूतक हो गया, अरे पहले पूजा कर लें तो फिर बताओ। पता लगने के बाद सूतक होता है, इसमें अपनी व्यवहार कुशलता। लेकिन आप खुद ही चौका लगा फोन करके बात ही कर रहे तो झेलो, फिर तो दंड होगा, फिर ससूतक घर में आहार नहीं हो। नमोस्तु महाराष्ट्री। उपस्थित होंगे श्रीमान सुभाष जी सेठी कोलकाता से, और आपकी बात तैयार रहेंगी पद्मश्री विमल जी डारा पटना से। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमोस्तु। आज मेरे मन में एक विचार आया कि भक्तामर स्त्रोत्र आदिनाथ भगवान का, भगवान की स्तुति है, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम अगर चौथा नंबर पढ़ोगे तो तुम्हारा सांप का दर्द दूर हो जाएगा, तुम अगर 18वां नंबर पढ़ोगे तो धन आ जाएगा, 35वां नंबर पढ़ोगे तो तुम्हारे कैंसर दूर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इसमें क्या सच्चाई है? ये जो आजकल ये जो हो रहा है भक्तामर स्त्रोत्र की जो मार्केटिंग, जबकि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है, मुझे आपका इसमें विचार चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सुभाष जी का अभिनंदन करें। ये नींव के पत्थर से जुड़े हैं पर इतने नीचे आगे के दिखते ही नहीं। ये गुणायतन की जब परिकल्पना प्रारंभ हुई थी तब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, गुणायतन के दायित्व इनको दिया था, और चूंकि उस समय आरसीसी का काम होना था तो इन्होंने तय किया था कि 2 साल में हम इसे पूरा कर देंगे। और जब पत्थर की बात आई तो बोले महाराज अब हमें थोड़ा सा कहीं और दो। लेकिन ये उस समय से जुड़े हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। आपने जो सवाल किया भक्तामर को लेकर, तो मैं इस संदर्भ में इतना ही कहूँगा, मेरा ऐसा कोई अपना अनुभव नहीं है, मेरा तो एक ही अनुभव है, 48 पूरे पढ़ो भवबंधन छूट जाएगा, और मैं तो 48 ही पढ़ता हूँ। और भक्तामर स्तोत्र को विशुद्ध आध्यात्मिक और एक भावनात्मक स्तोत्र के रूप में देखता हूँ, हमें वही देखना चाहिए और उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। मैंने बहुत बार प्रतीक वैज्ञानिक इसका विश्लेषण भी किया है, हो सकता है अब नई श्रृंखला फिर से चालू हो तो मैं उस पर चर्चा भी करूं। तो ये भक्तामर का आज जो हो रहा है, एक रेमेडी के रूप में भक्तामर स्तोत्र को एक हीलिंग के रूप में लिया जा रहा है। चूँकि दवाइयाँ लेते हैं लोग और इधर उधर भटकते हैं, उसकी जगह दुआ ले तो मैं उसे नकारता तो नहीं हूँ, लेकिन ये उस चीज तत्व का पूर्ण लाभ नहीं है। पर मरता क्या नहीं करता, इधर उधर भटकने की अपेक्षा ठीक है, लेकिन हमें तो एक कल्प वृक्ष है, उससे जब सब कुछ मिल जाता है तो हम रुखी सुखी रोटी क्यों मांगे। हमें वहाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो जो उससे चरम रूप में लभ्य हो सकता है हमारी दृष्टि उस पर होनी चाहिए। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे पद्मश्री विमल जी डारा पटना से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है। हम सब लोग पूरे समाज के संस्कार की बात करते हैं, आज हर शहर का जो भी प्रवेश द्वार होता है वहाँ पर बड़े बड़े स्कूल हैं, और वो सब स्कूल किसी न किसी अंग्रेजी माध्यम के और क्रिश्चियन मिशनरीज के हैं। हम सबको हर परिवार के अंदर, चाहे वो जैन समाज का हो या बाकी समाज का हो, सब लोग उस क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उसका नतीजा ये है कि हम धीरे धीरे जैन धर्म के संस्कार या धार्मिक संस्कार उससे दूर होती जा रही है नई पीढ़ी। तो आने वाले दिनों के अंदर नई पीढ़ी जब और बड़ी होगी तो उनके साथ एक दिशाहीनता की स्थिति रहेगी। तो क्या ये हम लोगों का प्रयास सिर्फ देवालय की तरह न हो, तो विद्यालय के साथ देवालय और देवालय के साथ चिकित्सालय, इन तीनों का संगम हमारे अपने विचारों में, कार्यों में और पूरे जैन समाज के माध्यम से हो, तो हम अपनी और अपने संस्कारों की, संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। ये एक प्रश्न है। एक और दूसरा प्रश्न है, इसको कर लो फिर करना, खड़े रहें आप थोड़ी देर। बहुत अच्छा सुझाव रखा है विमल जी ने। ऐसे भी विमल जी
सेवा के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किए हैं। ये विकलांगों के लिए बहुत अच्छा काम पटना में पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं और उनके इन्हीं कृत्यों से इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी 3 वर्ष पूर्व मिला है। ये हमारे पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। ये बहुत अच्छे विचारक, समाजसेवी और चिंतक भी हैं। आपने जिस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट किया है बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक है। हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए, पर इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि अब एजुकेशन और मेडिकल एक इंडस्ट्री बन गई। खोलना सरल है, चलाना बहुत कठिन है। पारमार्थिक रूप में सामाजिक संस्थाओं के बल पर चलाने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। हमारे देश में आज भी अनुपातता देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान जनसंख्या के अनुपात से जैनियों के होंगे। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में जैनों के स्कूल रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि समाज में वहाँ उस स्तर के बच्चे नहीं हैं और विद्यालयों का भी वो स्तर नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यालय या तो सरकार के द्वारा पोषित है, वित्त पोषित है, ग्रांट लिए हुए हैं, या फिर अन्य कोई स्थानीय कारण और हिंदी माध्यम भी उसमें एक कारण बन रहा है। हमें सोच को बदलना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि समाज के कुछ लोग आए जो सक्षम है और वे एजुकेशन इंडस्ट्री में पदार्पण करें, इस लक्ष्य के साथ कि हम खुद अपने संस्थान से ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाएंगे और इसमें हम चैरिटी करेंगे, स्कॉलरशिप के साथ बच्चों को रखेंगे और संस्कार युक्त शिक्षा देंगे, तो ये बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो अंग्रेजी माध्यम की है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोग शेक्सपियर को पढ़ते हैं, कालिदास को नहीं पढ़ते। वो भारत को, भारत की आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। भारतीय बीज को जब विदेशी खाद मिलेगा तो अच्छी फसल आएगी कहाँ से? ये आज की समस्या है, जो बहुत जटिल समस्या है। फिर भी गुरुदेव ने इस मिथ को तोड़ने का बहुत श्रेष्ठ उपक्रम किया, प्रतिभा स्थली हम सबको प्रदान करके। हम लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मेडिकल और एजुकेशन दोनों में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज पूरनमल जी, पदम जी मुझे दिख रहे हैं रांची से, आगे आ जाओ दोनों। ये लोग रांची में हॉस्पिटल खोलने का एक सपना लिए थे, शायद आप भी जुड़े होंगे। एक सपना लेकर के आगे बढ़े, मेरे पास आए तो मुझे ये सब बातें समझ में आई थी कि चुनौती है। अंततः इनको भी एक दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप करना पड़ा, जो एक उद्योग की भांति हॉस्पिटल चला रहे। हालांकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनसे जो प्राप्त हो रहा है उस प्राप्ति से ये चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन ये अपना, खड़े हो जाओ दोनों एक साथ, खड़े हो जाओ एक साथ, खड़े हो जाओ, आपका चेहरा सब लोग देख ले। 80 साल की उम्र में भी अभी जुटे हुए हैं और पूरे मुस्तैदी के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलाना तेली खीर है, ये नहीं चला पाए, हार कर इनको देना पड़ा। तो इसलिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट, कोई व्यापारिक समूह इस दिशा में आगे बढ़े और इस तरह का कार्य करे, या कुछ इस तरह की सोच के लोग आगे आए। हालांकि मेरे मानस में कुछ योजनाएं हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो जमीन पर उतरेगी। मैंने इस पर बहुत बृहद पैमाने पर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, समय पर बताऊं। आशीर्वाद। एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। वो ये कि अभी जो बहुत बड़ी चर्चा शिखर जी को लेकर पूरे देश भर में रही और ये लगा कि यहाँ एक जैन धर्म के लोग हैं तो दूसरा यहाँ के आदिवासी या यहाँ के लोग हैं, इतने वर्षों का इतना बड़ा अपना क्षेत्र है जहाँ से कि करोड़ों मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है, तो क्या हम लोग इस ढंग का प्रयास न करें कि पूरे इलाके को, जो भी इस पूरे क्षेत्र के अंदर जनगणना है, जो भी जनसंख्या है, उसको जैन बना पाए, इस दिशा में एक लंबा प्रयास करें तो आने वाले 15-20 वर्षों के बाद ये समस्या भी समाधान। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा पटना से शिखर जी आके बैठो, सब काम हो जाएगा। हम लोग
आप जैसे लोग अगर जुड़ते हैं तो काम होगा, पर अक्सर ये होता, हालांकि आप उसमें शामिल नहीं हो, लोग सुझाव देते हैं, ज़मीन पर काम करने नहीं आते। हमें ज़मीन पर काम करने वाले आप जैसे ऊर्जावान लोगों की ज़रूरत है, और बैठ के बात करेंगे। ये शंका समाधान का विषय नहीं है, ये कमरे में बैठकर चिंतन का विषय है कि हम किस तरीके से इस कार्य को अंजाम दे सकें। बंधुओं, सेवायतन परिसर में एक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित होने जा रहा है और डॉक्टर्स की टीम यहाँ उपस्थित है। श्री डॉक्टर सन्मति ठोले ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर्स फोरम से, डॉक्टर राजीव भानेज, डॉक्टर ईहा मुकेश, डॉक्टर शरद राव जैन एवं डॉक्टर नेहा जैन। मैं चाहूँगा कि वे यहाँ आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान एन एल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन, हरीश जी कागजी एवं एम पी जी अजमेरा, विमल जी रारा भी यहाँ आ जाएं। महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लता जी गंगवाल, पूनम जी जैन, अजमेरा साहब, जय जी। सम्मानकर्ता के रूप में ही जुड़ेंगे पदमचंद जी जैन रांची से एवं पूरनमल जी सेठी, सम्मानकर्ता के रूप में आप भी जुड़ें। हाँ, जब तक पूरनमल जी अपनी बात कह दें, दीजिए पूरनमल जी को दीजिए माइक, फिर डॉक्टर साहब बात करेंगे। नमस्ते महाराज, जैसा महाराज श्री ने भी बताया, रांची में भगवान महावीर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एक चलता है। आज वैसे हॉस्पिटल मेडिका ग्रुप चलाती है, किंतु हम लोग आज वो झारखंड का नंबर वन हॉस्पिटल है, उसी के इससे उससे हमको जो लीज रेंट मिलता है उसी से हम लोगों ने एक 6 एकड़ ज़मीन खरीदी है, इसमें एक पाठशाला स्कूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब और एक चीज़ अभी मैं बताऊँ आपको, अभी हम लोगों ने उसी के हॉस्पिटल के बगल में एक 6 तल्ला बिल्डिंग बनाई है, जिसमें जो अटेंडेंट रहते हैं रोगियों के जो अटेंडेंट रहते हैं उनको हम लोग बहुत ही कम पैसे में 100 रुपये में बेड, 300 रुपये में रूम, डबल बेड का अटैच बाथरूम, मतलब हॉस्टल एक बनाया है जो चालू हो गया है। महाराज श्री, एक और बताऊँ आपको, ऊपर में उसी बिल्डिंग में ऊपर में हमने एक आई हॉस्पिटल बनाया है जो तैयार हो चुका है, और 10-12 दिन में हम लोग उसका शुरू करेंगे। उसमें कोई भी केस काउंटर नहीं रहेगा, सबके लिए फ्री, ऑपरेशन ओपीडी सब फ्री रहेगा, कोई केस काउंटर नहीं रहेगा। हमारा हॉस्पिटल जो वो करीब करीब 100% ही तैयार हो गया है, डॉक्टर लोगों की हम व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, हो सकता है इसी महीने में हम लोग उसको शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। एक छोटी सूचना होती है, छात्रावास और गर्ल्स हॉस्टल हम लोग रांची में शुरू किए हैं, वहाँ पे जैन गर्ल्स लड़कियों के लिए, उसमें झारखंड से या जो भी बच्चियाँ वहाँ रह करके उसमें यदि रहना चाहती हैं तो हम लोग उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। बहुत अच्छे उपक्रम इनके द्वारा संचालित हो रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक जो बात छात्रावास की है उस पर सबको ध्यान देना चाहिए, अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने एक उपक्रम लिया जो हमारे पिछले रांची प्रवास में प्रारंभ हुआ। आज वो छात्रावास चालू है और लगभग 30 बच्चियों की व्यवस्था है, उनमें स्थान रिक्त है। जो भी अपने बच्चियों को रांची में पढ़ाना चाहते हैं ज़रूर इनसे संपर्क करें, ताकि वो संस्कार और सुरक्षा के साथ वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सके। हाँ, एक सूचना और रह गई थी, झारखंड की बच्चियां जो रांची में रहती हैं या आसपास कहीं भी पढ़ती हैं, वो क्लास 12 के ऊपर में जो पढ़ना चाहती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हमारी संस्था उनको आगे की पढ़ाई के लिए पूरा सहयोग करेगी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, आगे की प्रश्न उपस्थित करेंगे अभ्यागत डॉक्टर्स की टीम, और उसके बाद तैयार रहेंगे जयप्रकाश जी जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं।
पिछली बार भी आपके समक्ष हम उपस्थित हुए थे और आपके सूचना के अनुसार ही, जैसे कि हम ये डॉक्टर लोग जब भी यहाँ आते हैं तो हम निरंतर हमारी सेवाएं यहाँ सेवाएं तन में देने के लिए हम कटिबद्ध है। साथ में निहारिका और ये जो संस्थाएं जो है यहाँ पे, जो रेसिडेंशियल संस्था है, इन्होंने हमारे लिए एक सुविधा कर रखी है कि जो भी डॉक्टर यहाँ पे आएगा तो उसने अगर यहाँ इंटीमेट करेगा तो उसको वहाँ रहने का वगैरह फ्री बंदोबस्त रहेगा, सिर्फ उसने यहाँ आके सेवा देना चाहिए। और ये आह्वान हम पूरे देश भर में आपके माध्यम से, आपका मार्गदर्शन इसके लिए चाहिए। बहुत सुंदर, ऑल इंडिया डॉक्टर फेडरेशन फोरम बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहाँ इस तरह की ज़रूरत है। आपने जो कैंप की बात की, हमारे देश में जैन चिकित्सकों की कमी नहीं और संवेद शिखर जी के प्रति तो सभी की सभी लोग समर्पित हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर सुभाष बुद्रुक और डॉक्टर विजया बुद्रुक अपनी टीम के साथ अपनी सेवाएं नियमित दे ही रही है, दे रहे हैं, तो हम लोग इसे और आगे बढ़ाएं। जो भी लोग इस सेवा के कार्य से जुड़ना चाहते हैं तत्परता के साथ जुड़े। और ये जो पहल आप डॉक्टर सन्मति ठोले के नेतृत्व में पिछले अनेक वर्षों से चल रही है, बहुत उत्तम पहल है। मैं चाहूँगा हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसा कार्यक्रम करें कि हर महीने में 5 दिन का शिविर लग सके, ताकि आसपास के क्षेत्र की जनता को एक अच्छा लाभ मिल सके। हालांकि पूरनमल जी ने भी कहा कि आप कहें तो हमारे यहाँ के डॉक्टरों की टीम चाहे जब आ सकती है। इसकी एक ठोस कार्य योजना बनाकर डॉक्टरों को बुलाने से पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में सेवायतन में पैथोलॉजी लैब, एक्सरे की फैसिलिटी, कलर स्क्रीन की भी व्यवस्था शायद है, तो ये सारी उत्तम व्यवस्थाएँ हैं। उसे और जो कमियां रह गई है आप लोग सुझाव रखें, और सेवायतन के संस्थापक अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं, उन सबको तत्परता से पूरा करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। बहुत सुंदर, हाँ बोलो। श्रीमान जयप्रकाश जी जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और आपकी बात तैयार रहेंगी मंजू जी मोदी नागपुर से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। दुर्ग छत्तीसगढ़ से मैं जयप्रकाश जैन गोधा परिवार की तरफ से आपको नमन करता हूँ, और आपकी अगवानी के लिए हम सब दुर्गवासी आतुर हैं। महाराज जी, सेवा से धर्म है या धर्म से सेवा? सेवा से धर्म है या धर्म से सेवा, इन चक्करों में मत पड़ो, सेवा भी धर्म है ऐसा मान लो तो काम बन जाए। महाराज जी, अमृतसर करके एक हम महोत्सव मना रहे हैं, 50वां स्वर्णिम वैवाहिक उत्सव, अपने माता पिता का फिर से बोलो आवाज से। माता पिता का वैवाहिक स्वर्णिम उत्सव मना रहे हैं अमृतसर, उसमें हर महीने हम 4 तारीख को 4/7/23 से 4/7/22 से 4/7/23 तक बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, डफ एंड डम, ब्लाइंड स्कूल, मंद बुद्धि स्कूल जाके हर 4 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृतसर। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा। महाराज जी, आप और मार्ग प्रशस्त करें। आशीर्वाद आशीर्वाद। चलिए अगला। नमोस्तु मंजू जी मोदी नागपुर से। गुरुवर के चरणों में समस्त जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज के समय में बच्चों को कहा जाता है, बोलो गुरु जी, आज के समय में बच्चे कहते हैं कि अंडा शाकाहारी हो गया, क्योंकि अगर हम गाय का दूध पीते हैं तो फिर वो भी तो मांसाहारी हो सकता है, फिर हमें क्यों मना किया जाता है? विदेश में जाते हैं बच्चे तो कहते हैं। बहुत अच्छा होता कि ये सवाल उस बच्चे से करवाते। बच्चा आया है? हाँ आया है। तो उसको क्यों पीछे रखा? आ जा बेटा, तू अपने मुँह से पूछ। महाराज जी, मैं अपना प्रश्न पूछ लूँ? अपना नहीं, बेटे को, तो गाड़ी छूटने वाली। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, यही सवाल है ना तुम्हारा? जी महाराज जी। हाँ, ये बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ाई के लिए, और अपने माँ बाप से इस विषय में तर्क किया, पर मुझे मालूम है वो तर्क शायद अपनी धारणा के कारण नहीं, माता पिता को छेड़ने के लिए करता होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है जैन बच्चों में जन्मना ये संस्कार होते हैं कि हमें क्या लेना और क्या नहीं लेना। तुम्हारा जो सवाल है उस संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि अंडा और दूध दोनों को समकक्ष नहीं माना जा सकता। अगर पशु से या शरीर से उत्पन्न होता इसलिए दोनों को इक्वल कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। शरीर में खून भी होता है, शरीर में दूध भी होता है। खून निकलता है पीड़ा होती है, दूध निकलता है तो कुछ नहीं होता, बल्कि गाय से दूध न निकाला जाए तो उसको तकलीफ होती। दोनों में अंतर है ना? अंडा के अंदर तो चूजा होता है, उसमें जीव होता है, वो स्पष्ट एक भ्रूण है, वो हत्या है, इसलिए अंडा का तो नाम भी लेना ठीक नहीं, और दूध से तुलना करना तो और भी गलत है।
समझ गए। दूध अपनी जगह दूध को रस कहा जाता है, रस और रक्त में अंतर है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपना प्रथम आहार दुग्ध के माध्यम से लिया है, इसलिए इन दोनों को एक समान मानना ठीक नहीं है। समझ गया? चलिए चलिए, शैलेश जी ने अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे मधुबन से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, हो सकता है यह प्रश्न पूर्व में भी आपने उत्तर दिया हो, लेकिन शायद मैं इसे देख ना पाया हूं। वैसे तो प्रतिदिन देखता हूं संघ का समाधान, लेकिन शायद ये निकल गया हो। आजकल मंदिरों के अंदर में अलग अलग तरीके से आरतियां की जा रही हैं। जहां तक जैन दर्शन कहता है कि किसी भी जीव के ऊपर दीप जलाना पाप है, फिर ये कैसे हो रहा है कि हाथी के ऊपर दीपक जलाए जा रहे हैं, कछुए के ऊपर दीपक जलाए जा रहे हैं? आखिर यह सब क्या है? क्या यह पुण्य है या पाप है? आप ये सब अविवेक का परिपाक है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आरती की थाल आरती है, हाथी पे आरती, आपने बताया कछुए पे आरती, ये सब मार्केटिंग करने वाले लोग नॉवेल्टी आइटम के रूप में नई नई चीजें देना चाहते हैं और लोग उसमें विचार किए बिना आगे बढ़ जाते हैं। हम तो कहते हैं हम तो कभी इनको प्रमोट नहीं करते। हम तो कहते हैं कहीं हो तो इसे रुको, और आरती में भी पैरोडी ना हो, आरती हो। नहीं, मेरा धार्मिक आइटम बेचने का, हाँ मेरे धार्मिक आइटम बेचता हूँ, हाँ? लेकिन मैंने इन चीजों को निषेध कर रखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, और लोगों को ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसमें महान पाप है। किसी जीव के ऊपर वजन डालना और उसमें दिया जलाना, यानी उसको जलाने जैसा पाप होगा, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी परंपरागत जो आरती की थाल है, उस थाल से ही आरती जलाना चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मेघराज जी चुक्की देवी गंगवाल की स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्र वधु अंकित प्रियंका गंगवाल, रोहित शिल्पी गंगवाल, पौत्री तनिषा गंगवाल, प्रीशा गंगवाल, मैसर्स गंगवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, पोस्ट धुलियान, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।